12 बजे भाई चल भी आऊँ भाई वकील साहब एक व्यक्ति को जेल भेजा गया वो पेशे से वकील है हाँ। और एक महिला अधिकारी के खिलाफ षड्यंत्र है हाँ। क्या क्या चार्ज है उस पर क्या क्या आरोप है उसके खिलाफ जो है ऐसा है कि एक असद जमा नाम के व्यक्ति हैं और दुर्भाग्य से वो एडवोकेट का भी वो है वैसे उनके पिता कभी फलों की आदत किया करते थे फकरो जमा पूर्व सभासद भी है ये इन्होंने एक बहुत घृणित कार्य किया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने समाज कल्याण विभाग का ऑफिस है और उसमें एक वकील की पुत्रवधू है वो वहाँ सर्विस करती हैं इसने वहाँ एक पैकेट जिसमें 10 लाख की फिरौती का और अश्लील सामग्री और जान से मारने की धमकी थी का लेटर था वो वहाँ उनके दफ्तर में गिर दिए उन्होंने इस बात की शिकायत सिटी मजिस्ट्रेट को बुला करके की सिटी मजिस्ट्रेट ने जो है वो पैकेट खुलवा करके देखा और उसके बाद उनके ससुर ने जो है रिपोर्ट दर्ज कराई और ये रिपोर्ट जो है पहले दर्ज हुई थी 354 के और 509 में महिलाओं की इज्जत को गिराने के लिए उनको बदनाम करने के लिए उनकी प्रतिष्ठा को गिराने के लिए इसका चार्ज इनके खिलाफ है और इनकी कल अरेस्ट हो गई थी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता चला गया बहुत सी चीज़ें सामने आई इनके खिलाफ 386 की इसमें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बढ़ोतरी की गई और आज CGM के यहाँ इनको पेश किया गया जहाँ इन्होंने 386 की बढ़ोतरी पर आपत्ति दर्ज की मैंने और मेरे दो सहयोगी थे मेरी टीम के परमिंदर और प्रवेश बालियान हमने ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें आएंगी उनके अनुसार ये विवेचना अधिकारी का अधिकार है कि वो उसे बढ़ाए उसमें धाराओं को बढ़ा दे और या घटा दे ये भी सीसीटीवी फुटेज भी आई है हाँ CCTV डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जब उनको ये पता लगा जो आदमी इतनी गलती कर सकता है इतनी भारी जो है गलती नहीं कहता मैं इसको जो इतना बड़ा डेयरिंग अपराध करता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के 50 मीटर दूर ऑफिस में लिफाफा गिरता है और उस लिफाफे को देखिए हमने कोई FIR नामजद नहीं कराई थी हमारे क्लाइंट ने FIR जो नाम में जो इसका नाम आया है वो इन्वेस्टिगेशन में आया है और वो इसलिए आया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वहाँ की तमाम आसपास की जो है CCTV फुटेज निकलने आई CCTV फुटेज में ये रात को लिफाफा गेरते हुए वहाँ जो है पकड़ा गया उसमें आया फोटो में दूसरी चीज़ ये है कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है ये दंगों में भी इसका नाम मुझे पता लगा है वो आया है और उसमें इसका जो है हम और रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं ये इसकी स्थिति है और इससे घृणित कार्य कोई हो नहीं सकता कि एक अधिवक्ता दूसरे अधिवक्ता कि पुत्रवधु को बदनाम करने के लिए जो सरकारी कार्य कर रही है जब सरकारी ऑफिसेज में भी इस तरह का असुरक्षा का वातावरण होगा तो काम करना किसी भी महिला के लिए बहुत कठिन होगा न्यायालय ने 386 में उसका रिमांड मंजूर कर लिया है और उसको रिमांड को दे दिया है
और वो जेल भेज दिया गया है, न्याय का भी रक्षा में चला गया है। कितनी सजा है जो इस तरह का जो अपराध जो किया गया है? इसमें मैक्सिमम 10 साल का पनिशमेंट है, 10 साल तक की सजा इसमें हो सकती है। एक वकील होने के नाते जो ये इसने जो ये काम किया है, तो उसमें ये क्या प्रैक्टिस ये करता रहेगा बाद में जेल से? देखिए ऐसा है कि अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, लाइसेंस रद्द करने के लिए भी लिखा जाएगा क्योंकि ये मिसकंडक्ट है, कोई भी सभ्य अधिवक्ता इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता, इसलिए इस मिसकंडक्ट के लिए इसका लाइसेंस रद्द कराने के लिए निश्चित तौर से कार्रवाई की जाएगी। और चूंकि 2-3 केस हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है इस पर गैंगस्टर भी लगा दें, क्योंकि ये जो है संगठित अपराध कर रहे हैं और अभी इस इन्वेस्टिगेशन में और लोगों के भी नाम आने की संभावना है। और कितने लोगों को सुनवाया? मैं चूंकि ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ 2-3 लोग तो होंगे ही, जिस तरह का ये जो एविडेंस आ रही है जिस तरह की, उसके हिसाब से ये लगता है कि इसमें कम से कम 2-3 लोग जो है निश्चित तौर से शामिल हैं। और देखिए हमारे यहाँ ये और है कि हमारे यहाँ गलत अधिवक्ता को भी जो है परिश्रय देते हैं और उसको पेट्रोनाइज नहीं करते हैं, और पूरी कानूनी कार्रवाई जो इसमें हो सकेगी उसको करेंगे। न्याय व्यवस्था पे हमको पूरा जो है यकीन है, जो एविडेंस है उसको भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस इकट्ठा कराने का इसमें प्रयास किया जा रहा है और कराया जाएगा। सर, एक वकील को जेल भेजा गया है, कोई क्या मामला था? ये एक मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज हुआ था, जिसमें जो समाज कल्याण ऑफिस में है समाज कल्याण अधिकारी, उनके कार्यालय में एक लिफाफा रात में जिसमें कुछ अश्लील फ़ोटो और अश्लील दस्तावेज थे, जो लिखे हुए लेटर थे वो उसमें उन्होंने पोस्ट किए थे। अब इसमें हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया और किसी के द्वारा इसमें लगातार कुछ लोग इसमें पैसे की मांग कर रहे थे, इसी बात को लेकर इसमें लिफाफा जो डाला था इसी उसका एक कड़ी थी, ताकि आप किसी भी बदनामी से या किसी अन्य चीज़ों से बचने के लिए व्यक्ति आसानी से पैसा दे दे। इसका मुकदमा दर्ज सिविल लाइन में किया गया और उसमें गहनता से जांच की गई, तो जो असद जमा एडवोकेट अपने आप को बताते हैं, आई डोंट नो एडवोकेट हैं भी कि नहीं, बट वो उसमें CCTV फुटेज में उसमें डालते हुए वो आया है उसमें, जिसमें हम लोगों के द्वारा उसमें कार्रवाई की गई, उसको अरेस्ट करके गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। सर, कुछ जानकारी मिली सर क्यों किया उन्होंने? अभी तक उसमें जो अन्य पहलू हैं उस पर भी हम लोग गहनता से जाँच कर रहे हैं कि उनका ऐसा उनके द्वारा क्यों किया गया है, और जो भी अन्य भी कोई व्यक्ति हो सकता है इसमें, या असद जमाव के द्वारा भी इसमें षड्यंत्र किया गया है, क्योंकि जानकारी में अभी तक की जो विवेचना है उसमें आया है कि असद जमा इसमें पैसे की मांग कर रहा था, जिस कारण से उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। एक महिला अधिकारी को ब्लैकमेल करने का भी मामला है? हाँ बिल्कुल, महिला अधिकारी को ब्लैकमेल करने का, उससे पैसे की डिमांड करने का, जो कि बहुत ही गंभीर और संगीन अपराध है, लगातार एक महिला अधिकारी का पीछा करना, उसके घर पे तरह तरह के लेटर पोस्ट करना, उसको मतलब बहुत ही गंभीर धारा है, बहुत ही गंभीर अपराध की श्रेणी में लोग ये आता है अपराध, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है, उसको जेल भेजा गया। अभी तक की जांच में कितने लोग इसमें हो सकते हैं? अभी तक की जांच में एक असद जमा प्रकाश में आया है और एक अन्य किसी महिला के होने का भी इसमें संदेह है कि एक महिला भी इसमें है जो शामिल है इसके साथ षड्यंत्र में, उसके खिलाफ भी हम लोग गहनता से विवेचना कर रहे हैं। सर, जो महिला है वो इसी गाँव में नौकरी करती है, बाहर की है? अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग उसमें अन्य और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि जो प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ही हम उसमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। सर, ये भी माना जा सकता है एक तरीके का एक गैंग है, जिस तरह का बिल्कुल हो सकता है, ये हो सकता है कि ये कोई एक संगठित ग्रोह भी हो सकता है। उस हर पहलू पर मैंने कहा आपको कि हम हर पहलू पर बहुत ही बारीकी से इसमें जाँच कर रहे हैं।